me, jam is about just achieving maximum. Maximum value for every rupee spent. Maximum empowerment for our poor. आजादी के 67 साल बाद भी देश की एक बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके पास ना तो बैंकों में बचत का कोई जरिया था, ना ही बैंकों से कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करते हुए 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की। जनधन खाता, आधार और मोबाइल जब साथ जुड़े तो देश में वंचितों के सशक्तिकरण की एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। जैम के जरिए सरकार न केवल भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने में सफल रही, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी डीबीटी भी संभव हो सका। कोरोना महामारी के समय तो जनधन खाता और डीबीटी वंचितों और प्रभावितों को राहत देने में वरदान साबित हुए। मैंने मेरे गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोटा मंडी में बेची थी, जिसका संपूर्ण भुगतान 24 घंटे के भीतर मेरे खाते में आ गया है। आधार कार्ड लेके गई मैं, बड़ी आसानी से खुल गया मेरा खाता, कोई किसी बात की कैसी भी परेशानी ना। मैंने जनधन योजना में एक खाता खुलवाया है। पहले जब खाता खुलवाते थे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे और अब सिर्फ आधार कार्ड से ही खाता ओपन हो जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैंने खाता खुलवाया है, बढ़िया से बिताओ खाता के लिए, हमारे लिए हम पैसा डला सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। और पहली माँ के बहुत परेशानी थी, पैसा खा रखा, अब माँ के बढ़िया काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारा आदिशो धन्यवाद। इस समय सरकार करीब 35 से 40 योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे सीधे पहुँचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी डीबीटी का उपयोग कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी का पैसा डीबीटी से अब सीधे उनके जनधन खाते में जमा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी सीधे परिवार की महिला के जनधन खाते में डीबीटी से जमा हो रही है। मंडी में MSP पर फसल बेचकर किसान बिना किसी बिचौलिए और कटौती के डीबीटी के जरिए अपनी फसल का पूरा दाम अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जनधन खाता, आधार और मोबाइल यानी जैम के कारण संभव हुए डीबीटी से करीब 3,34,00,000 नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान भी संभव हो सकी है। इन फर्जी लाभान्वितों के खाते बंद करने से देश को हजारों करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। ये सब मुमकिन हो सका है जनता को मिली असली ताकत जैम से